वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट है कि एक प्रोजेक्ट बनाएं, दो प्रोजेक्ट बनाएं, या फिर टर्म वन के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाना है या टर्म टू के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट पे फोकस करना है या दो प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अब आते हैं प्रोजेक्ट वर्क, जिसको लेके काफी सारी कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में। तो अब जो ये कॉमन गाइडलाइंस है, जो आपके सब सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जैसे कि चाहे आपके पास सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लीगल स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस, इको, बिजनेस अकाउंट्स, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि वन प्रोजेक्ट टू बी डन थ्रू आउट द सेशन। ये आपको याद रखना है कि आप को एक ही प्रोजेक्ट थ्रू आउट द सेशन प्रिपेयर करना है। सो ओनली वन प्रोजेक्ट यू हैव टू प्रिपेयर थ्रू आउट द सेशन एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम। अब इस प्रोजेक्ट में से आपको क्या सीखना है, व्हाई दे आर गिविंग यू दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो इट विल गिव यू पर्सनल इंक्वायरी, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, स्किल्स के बारे में, व्यूज के बारे में, तो दैट विल improve your knowledge. Second, analysis and evaluate real world scenario. यानी कि आपने जो भी project बनाया है उसके बारे में क्या वो exist करता है आज के scenario में, ये आपको बताएगा। उसके अलावा आप उससे related critical thinking और abilities भी आप इसमें explain कर सकते हैं। Follow up aspect in which learner have interest और develop the communication skills to argue logically. तो बेसिक ये ऑब्जेक्टिव हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के बाद दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अवेयर। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क आपका किस बेसिस पे जो है वो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वो किस बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट जो है इवेल्युएट किया जाएगा। तो स्टेप्स जो है, सबसे पहले तो यू हैव टू सेलेक्ट अ टाइटल, दिस कैन बी सेम, सबके लिए सेम है ये, हिस्ट्री के लिए भी सेम है, पोल साइंस के लिए भी सेम है, उसके अलावा आपका इको है तो इको के लिए भी सेम है। तो टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपको उससे रिलेटेड रिसर्च और मटेरियल, फिर उस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं आप, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट आल्सो, फिर एनालाइज करना है आपने अपने डाटा को कि ये डाटा सच में यूजफुल हो रहा है या फिर इस डाटा से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, और एंड में आपको कंक्लूजन बनाना है, बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप इस सारे कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको हैंडमेड बनाएं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अब जब आपका प्रोजेक्ट चेक किया जाएगा तो उसके लिए ये सारी चीजें फॉलो की जाएंगी, दिस इज गोइंग टू बी योर चेकलिस्ट। सबसे पहले कि आपने टॉपिक अच्छे से, टाइटल अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है, कॉज, इवेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ये अच्छे से बताए हैं, नहीं बताए हैं, उसके अलावा क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उसके, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होने वाली हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी ये सारी चीजें क्या हैं, देन प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग कि आपने कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, कितना आपने उसमें हार्डवर्क पुट किया है, दैट ऑल थिंग विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ताकि आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल सके प्रोजेक्ट वर्क में। इसके अलावा जो आपके इंटरनल असेसमेंट है, दैट विल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ आपका 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, या फिर आपकी टीचर आपको कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो कंटेन मार्क्स फॉर इट। तो कोशिश करिए, यू जस्ट कंटिन्यू और यू जस्ट स्टडी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियोस। टिल देन, थैंक यू।